क्यों काम कर रहे हैं, जिसको टीचिंग बोलते हैं, इसको आप वैल्यू नहीं कर सकते। अगर कोई बोले कि साहब टीचिंग में आप तनख्वाह में दे रहे वैल्यू कर रहे हैं, वो क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जो इंस्टीट्यूशन दे रहा है। लेकिन जो आप समाज और देश का जो फाउंडेशन बना रहे हैं उसकी क्या कोई वैल्यू लगाएगा, क्या वैल्यू लगा सकते हैं? अगर मान लीजिए आज आपके यहां से पढ़े हुए बच्चे किसी अच्छी कंपनी में सीईओ बन गए, डायरेक्टर्स बन गए, इवन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए, ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स बन गए, दुनिया में जाके कहीं और कर रहे हैं, चाहे वो अपना इंडस्ट्री या एंटरप्राइज लगा रहे हैं, वो क्यों लगा पाए? क्योंकि एज ए फाउंडेशन, अब मालिक को आप क्या वैल्यू देंगे? अगर एक माली एक पौधा उगाता है और उसमें उसके अच्छे फल लगते हैं और फल बाजार में जाके 500 रुपए किलो बिकता है, माली को तो बेचारे को वही 2000 रुपए तनख्वाह मिल रही होगी। अब आप बताइए उस माली का और उस फल की वैल्यू के बीच में आप क्या कोरिलेशन लगाएंगे? तो आपका काम जो है ना वो माली वाला है। ये समाज आपके बगैर नहीं रह सकता। एक अच्छे टीचर समाज में अगर आप चले जाए, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको आपकी वैल्यू समझनी है एज ए टीचर, तो चाणक्य सीरीज को एक बार दोबारा देखिए। चाणक्य वाज टीचर, वो किंग नहीं था, वो राजा नहीं था, वो टीचर था। उसके बाद कितने राजा आए आप उनको याद रखते हैं, कि नाम भी पता है लेकिन उस टीचर का नाम याद है। उसने जो राजा बनाए, चंद्रगुप्त को भी बनाया वर्सेस चाणक्य, हु हैज मोर रेस्पेक्ट? आप खुद सोचिए, चंद्रगुप्त को समाज ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है या चाणक्य को ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है? आज भी 3000 साल बाद भी, दैट इज वॉट टीचर इज ऑल अबाउट। आप समाज का डायरेक्शन, समाज की दिशा, समाज का फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये तपस्या है, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये पैशन हो सकता है, ये प्रोफेशन नहीं हो सकता। टीचिंग कैन नॉट बी एनी अदर प्रोफेशन। बीकानेर या इस देश का फाउंडेशन आप बना रहे हैं, तो इससे ज्यादा प्रिविलेज अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? तो ये सब बातें जब थी तो मुझे लगा कि यहाँ पे और बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से आप लोगों का कमिटमेंट है, और जिस तरह से आप लोगों ने एक इंस्टीट्यूट जो नॉन एग्जिस्टेंस था हमारे टाइम पे, आज आपने उसको नंबर वन बनाया है, तो मेहनत तो हुई है, आप लोगों का सबका कॉन्ट्रीब्यूशन, ओवरनाइट तो कुछ बनता नहीं है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से है, जब क्या होता है, जब चीज अच्छी होती दिखती है ना तो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क नॉट मनी। कभी कभी अक्सर कमर्शियल वर्ड में हम क्या कहते हैं, बिकॉज आई हैव डन ए गुड वर्क सो आई शुड बी पेड। ये दुकानदारी की भाषा है, ये सामाजिक भाषा नहीं है। सामाजिक भाषा या दायित्व की भाषा ये होती है कि भाई इफ यू आर डूइंग ए गुड वर्क एंड इफ यू आर गेटिंग मोर वर्क, इट मीन्स योर वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड। जिस आदमी को, जो आदमी काम खराब कर रहा होगा, आप उसको काम देंगे? आप आपस में ही नहीं देंगे, आप अपने डिपार्टमेंट में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में भी देखते होंगे।